धन्य हो तुम जो दीन हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो रोते हो, तुम हर्षित होगे। धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें, नकारें और अपमानित करें और मेरे कारण तुम्हें बुरा कहें, जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके पूर्वजों ने भी भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया। सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, मेरे पास बस इतना ही है। क्या मतलब तुम्हारा इतना ही है तुम्हारे पास? हाय तुम पर जो अब धनी हो, तुमने आराम का जीवन बिता लिया। जो धनी ना बनना चाहे वो कोई पागल ही होगा। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, तुम रोगे और विलाप करोगे। अफसोस जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए यही किया। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं, शत्रुओं से प्रेम रखो, घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। यदि कोई तुम्हारी वस्तु ले ले तो उसे वापस मत मांगो। तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो। यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीष क्यों कर मिलेगी? पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। और यदि स्वयं पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो तो तुम क्यों कर आशीष पाओगे? पापी भी ऐसा ही करते हैं। वे इसे कैसे छू सकते हैं? वो उससे कैसे बात कर सकता है? बेशर्म। नहीं, शत्रुओं से प्रेम रखो, उनका भला करो, उधार देकर वापसी की आशा न रखो, तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे। वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी कृपालु है। दयावंत बनो जैसा तुम्हारा परम पिता दयावंत है। यीशु हमें बचाइए। आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। प्रभु हमें अपने मार्ग पे चलाएं। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, ऐसा करने पर दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखते हो जबकि अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देख पाते? प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है। धन्य है वो माता जिन्होंने आपको जन्म दिया और पाला। पर वे कितने धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मैं इस व्यक्ति को जानना चाहूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वे मसीह हैं? इस धर्मगुरु ने यीशु को रात्रि भोज पर बुलाया। यीशु उनके घर गए और भोजन करने बैठे। चलो बच्चों, यहां से चले जाओ। तुमने सुना नहीं, जाओ। बड़े शरारती हैं ये बच्चे। ये यहां क्या कर रही है? मुझे नहीं पता।
ये कर क्या रही है? यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पाप में जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के दो कर्जदार थे, एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था। दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ। तुमने ठीक कहा। इस स्त्री को देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पोछा। तुमने चुंबन से मेरा अभिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र उड़ेला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया। शांति से जाओ। प्रभु यीशु जगह जगह परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश देने लगे। उनके साथ थे 12 शिष्य और दुष्ट आत्माओं से मुक्त की गई कुछ स्त्रियां, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, योअन्ना जिसका पति खोजा हेरिदेस के दरबार में भंडारी था, और सुसन्ना। गलील के शासक हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदीगृह में डलवा दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उसके द्वारा अपनी भाभी से विवाह की निंदा की थी। कहो। जब हम लोग नाइन नगर के द्वार पर पहुंचे, तब लोग एक अर्थी को लेकर जा रहे थे। मरा हुआ व्यक्ति एक विधवा का इकलौता पुत्र था। जब यीशु ने उस विधवा की तरफ देखा, उनका हृदय दया से भर उठा। उन्होंने कफन उठाया और कहा, ए नौजवान, मैं तुमसे कहता हूं उठो। और मरा हुआ युवक उठ बैठा। यीशु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। उनसे पूछो, क्या आप वही हैं जिनके आने के विषय में यूहन्ना ने प्रचार किया था, क्या फिर हम किसी और की प्रतीक्षा करें? गुरुजी, गुरुजी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें यह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले थे, या हम किसी और के आने की प्रतीक्षा करें? जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से कहो। अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, धन्य हैं वे लोग जो मुझ पर संदेह नहीं करते। आ जाओ मेरे कंधे पे। अब तुम देख सकते हो? हाँ, मैं यीशु को देख सकता हूँ। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार के किनारे गिरे और रौंद डाले गए, और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे,
जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुरझा गए और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे। झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उगकर फल दिया, प्रत्येक ने 100 गुना। गुरुजी, जब भीड़ जमा होती है तो उदाहरणों में क्यों बातें करते हैं? परमेश्वर के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम्हें दिया गया है, परंतु औरों को उदाहरणों में सुनाया जाता है, क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते। इस उदाहरण का अर्थ यह है बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताकि वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पा लें। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं पर जड़ नहीं पकड़ पाते। वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और